हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 7 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमारे सारी NCERT सब्जेक्ट्स के लिए और स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जैसे लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, स्पेक्ट्रम, MCQ के फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। बहुत ही चीप रेट्स में, प्राइसेस में हमने कोर्सेज बना रखे हैं। क्वालिटी जो है काफ़ी आपके UPSC के लेवल की है और अफोर्डेबल भी आपके लिए होंगे। पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है माइंड द गैप। देखो, COVID-19 के बारे में है, लेकिन ये आर्टिकल जो है जितने भी हम पढ़ेंगे आज आपकी समझ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। पहला जो है माइंड द गैप, इंडिया मस्ट फोकस ऑन व्हाट नीड टू डन, नॉट होम टू ब्लेम फॉर द वायरस स्प्रेड। भारत को फोकस करना चाहिए कि क्या करे, ना कि किसको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जाए। देखो, सदियों से लोग ट्रैवल करते आ रहे हैं रिलीजन के लिए, ट्रेड के लिए। 1498 में वास्को द गामा आया, जब से आते जा रहे हैं। भारत में भी है, ग्लोबलाइजेशन जो है आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। रिसेंट डिकेट्स में पहले तो लोग व्यापार के लिए आते थे, धर्म के लिए आते थे, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। अब लोग प्लेजर के लिए आने लग गए, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो होने लग गई प्लेजर के लिए, घूमने के लिए, टूर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो ट्रैवलर्स जो होते थे ये कई सारे पैथोजेंस भी लेके आते थे, कई सारे वायरस भी ये साथ में लेके आते थे, बैक्टीरिया भी साथ में लेके आते थे। लेकिन भारत के क्या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई अब तक वायरस नहीं आया जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला है। और एक कारण चाइना। फैला क्यों? रोका जा सकता था, लेकिन फैला क्यों? क्योंकि जिस कंट्री में फैला, चाइना, वो खुद वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी का एक सेंटर है। चाइना बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 120 कंट्रीज़ और रीजन्स के साथ। बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मतलब कि आना जाना बिल्कुल लगा रहता है। अब तक इंडिया भी था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब ने अपनी कमाने संभाल ली हैं और सब अब डीग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब कंट्री को रोक रहे हैं, एक वॉल लगा रहे हैं, सेफ्टी वॉल, कि अब कम से कम जो है यहाँ पर ट्रैवलिंग हो। लॉकडाउन तो देशों में लग ही चुके हैं, कुछ देशों में अभी भी नहीं लगे। 430,000 लोग चाइना से USA में गए जब ये डिसीज़ फैली। ग्लोबल ट्रैवल जिस तरीके से फैल रहा था, ह्यूमन हंगर भी जो है अब फैल रही है कि हमको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्लेजर चाहिए, घूमना है, वहाँ जाना है, धंधा करना है, ट्रेड करना है। तो वायरस 180 देशों तक इसी इच्छा की वजह से फैल चुका है। मार्च 2019 की बात करूँ तो भारत में 6.9 करोड़ इंटरनेशनल पैसेंजर आए, 6.9 करोड़ मार्च 2019 तक की मैं बात करूं। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हमारे दिसंबर 2019 तक भी आते रहे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब जो ब्लेम है, अब ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है कि कुछ सेक्शंस पे जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कुछ कंट्रीज़ पे, जैसे जिनोफोबिया, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इसका मतलब है किसी कंट्री के लोगों को जो है ब्लेम करना। जैसे चाइनीज़ पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि चाइना कंट्री पे लगाओ, गवर्नमेंट पे लगाओ, पर चाइनीज़ लोगों के साथ जो रेसिज्म किया जा रहा है दुनिया में वो सही नहीं है। भाई, हर एक आदमी गुनहगार तो नहीं हो सकता ना। आपको याद रहना चाहिए, डॉक्टर ही था चाइना का जिसने सबसे पहले खुलासा किया था, लेकिन उसको जो है चुप कर दिया गया, उसको प्रेशर दिया गया, टॉर्चर किया गया उसको। भारत में तो हम एक दूसरे सोशल ग्रुप्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे USA में लोग एशिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भारत में हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि चाइना से वहाँ पे ज़्यादा जो है आना जाना लगा रहता है। फिर दिल्ली में जिस तरीके से तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ, तो ये COVID-19 जो है फैला इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जिस तरीके से इन पे ब्लेम लगाया जा रहा है इस समय, देखो जिसने गलती की है, लेकिन समय एक वो होता है कि आप समय तो देखो भाई, आज अगर आप मुस्लिम्स में इस तरीके से ब्लेम करोगे तो इसके बाद देखा गया देश भर में कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार हुआ। अब मैं पहले बताता हूँ, मैं यहाँ पे किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को, किसी समुदाय को, किसी भी कास्ट को या किसी भी ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का यहाँ पे क्रिटिसिज्म में कर रहा हूँ। मैं जो आर्टिकल में लिखा हुआ है सिर्फ उसको पढ़ के बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स इन जनरल आर फेसिंग रिन्यूड हॉस्टिलिटी इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कई कंट्री में कई जगह मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन देखा गया, जैसे कि कई जगह जो है हिंसा भी देखी गई। तो कहीं ना कहीं एक लगाम लगनी चाहिए
कि प्रायोरिटी, देखो मैं एक बात कहता हूँ, जब किसी भी आदमी की प्रायोरिटी अगर डिसाइड नहीं है ना, अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आज जो समय है वो किसी ना किसी तरीके से वायरस को रोका जाए, और जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने सारा खुलासा करें, किसके साथ हो गए किसके साथ नहीं गए। और जो लोग उनसे अलग हैं, जैसे कि हम हैं, हम नहीं गए, हम घर में थे, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कम्युनलिज्म है वो नहीं बढ़े, देश में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि वायरस हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और अगर कम्युनल टेंशन बढ़ गई तो फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा, और भगवान करे ऐसा ना हो। तो प्लीज़ शांति बनाए रखें। तो एक इंडीड देयर मस्ट बी अ डिस्कशन। अच्छा, सेंटर्स ब्रीफर हैव बीन वॉलंटियरिंग डेली अपडेट्स ऑन द नंबर ऑफ केसेस। केसेस कितने सारे हुए, कितने लिंक हैं तबलीगी इवेंट्स, एक सेंटर का डाटा बार बार आ रहा था कि हाँ भी ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन होना भी चाहिए कि क्या गलत हुआ, डिसीज़ कैसे फैली। ये सब जो है क्वेश्चंस होने चाहिए कि इतने रिलीजियस एक्टिविस्ट आए कैसे, वीज़ा कैसे मिला, एंट्री कैसे मिला। सवाल सरकार पे भी उठने चाहिए, इस तरीके सरकार पे भी ऐसे सवाल मत उठाओ कि आप पॉलिटिक्स करो, इस तरीके से उठाओ कि सरकार को हेल्प मिले सॉल्यूशन ढूंढने में। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा सारा अफोर्ट जो है, अटेंशन जो है वो होना चाहिए कंटेनमेंट पे, मिटिगेशन पे। सारे सेक्शंस, चाहे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, हिंदू, कोई भी हो, सबको यहाँ पे सुरक्षित महसूस करवाना है, और राज्य सरकारें उनको जो है पूरी सुरक्षा प्रदान करें। सरकारें भी किस हद तक कर लेगी, आपको संभालना पड़ेगा। तबलीगी लीडर्स ने जिस तरीके से नॉन कोऑपरेशन दिखाया अथॉरिटीज़ के साथ, फिर उसकी वजह से जो केसेस बढ़े ये दिखाई देता है। लेकिन हाँ देखो, कोऑपरेट नहीं कर रहे तो एक्शन लो, लेकिन कम्युनलिज्म नहीं बढ़े, पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जाए, जो गुनाह नहीं किया जिन्होंने, उनके जो है उनकी सुरक्षा यहाँ पे रहे। क्योंकि हमारे देश में पहले ही कुछ सालों में कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पाकिस्तान, चाइना और जो हमारे दुश्मन तो और तो है नहीं, लेकिन जो ये दुश्मन है हमारे, ये ब्रिटिश का ही तरीका अपनाते हैं हमको तोड़ने का, कि डिवाइड एंड रूल। उनको पता है भारत अगर एक है, भारत इतने दशकों से भारत एक है, भारत को कोई तोड़ नहीं सका। वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि भारत नहीं रह सकता इतनी डाइवर्सिटी में, अलग थलग हो जाएगा, लेकिन हम अब भी एक रहे। तो ये चीज़ पाकिस्तान और चाइना नहीं देख पा रहे थे। उनको पता है पाकिस्तान मिलिटरली तो हम अटैक कर नहीं सकते, अंदर से हम इंटरनल सिक्योरिटी को ख़राब कर सकते हैं, उसके लिए कम्युनिज्म फैला सकते हैं। अभी हाल ही में जो कुछ वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर हुई, जिनमें देखा जा रहा था कि मुस्लिम जो हैं वो तोड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, पता चला वो वीडियोस मिडल ईस्ट की थी, यानी सऊदी अरेबिया में की गई थी। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो परफॉर्म की गई थी, और पाकिस्तान उसमें हिंदी ऑडियो डाल के फैला रहा है। पाकिस्तान हमसे ऐसे नहीं लड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान की औकात तक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमको अंदर से तोड़ सकता है, और जब तक हम एक हैं। हाँ, लोग गलती करते हैं, करते हैं। कल भी जब देखा गया जनता कर्फ्यू के दिन भी लोग जो हैं भीड़ में इकट्ठा होके थालियां बजा रहे थे, और अभी भी देखा गया 5 अप्रैल को। तो गलतियां सब करते हैं, लेकिन कोशिश ही की जाए कि गलती करने वाले को एहसास हो कि उसने गलती की है, अथॉरिटी के साथ कोऑपरेशन करें, लेकिन देश नहीं टूटे, क्योंकि हमारे दुश्मन हमसे 10 कदम आके चलते हैं। तो कॉमन थ्रेट ऑफ वायरस शुड हैव डस्ड ऑन स्मल्डरिंग एम्बर्स ऑफ रिलीजियस टेंशन। वायरस का थ्रेट, रिलीजियस टेंशन अगर बढ़ जाएंगी तो फिर जो है वायरस की वजह से बैटल तो चलेगा ही, और फिर ये टेंशन भी फैल जाएंगी। तो लास्ट लाइन ये है कि किसी भी केस में वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है वो हमारी सोशल डिफरेंसेस को और डीप नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो? इसलिए मैंने ये सब चीज़ें कही। अब ऐसे मत समझना कि मैं किसी भी रिलीजन को फेवर कर रहा हूँ, मैं अपने देश को फेवर कर रहा हूँ। समझिए इस चीज़ को कि हमारे दुश्मन हमसे कई आगे चलते हैं, हमको एक रहेंगे तो हमको कोई भी नहीं तोड़ सकता। डेमोक्रेसी शुड नॉट परमिट अ ट्रेड ऑफ। देखो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। भारत आज़ाद हुआ, एक ऐसा लीगल सिस्टम अंग्रेज़ों से लेके आया, जो कि सिस्टम वो कॉलोनाइज्ड जो लोग थे उनको कंट्रोल करने के लिए था, और उसको हम साथ में लेके चले। जैसे हमारा IPC, CRPC जो है हमारे, जो और कानून है, जैसे एपेडमिक्स जो एक्ट है हमारा, ये सब अंग्रेज़ों के कानून है, और मुसीबत के समय हमने ऐसे ही कानूनों को इन्वोक किया। जैसे अब कोरोना वायरस के चलते सारे राज्य सरकारों ने, कुछ राज्य सरकारों ने एपेडमिक डिसीज एक्ट को इन्वोक किया है, जिसमें उनको कई सारी पावर्स मिल गई है, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रोकने से रिलेटेड। ये डील लाया क्यों गया था, 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग्यू आया था,
महामारी आई थी, इस एक्ट ने लोगों का इकट्ठा होना रोक दिया था, ट्रैवलिंग रोक दी थी, स्क्रीनिंग होनी शुरू कर दी थी, सेग्रीगेशन अलग अलग थलग करना शुरू कर दिया था, क्वारंटाइन होना शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो है आ गई थी। बाल गंगाधर तिलक, जिनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, इसके द्वारा वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा, जो कि द टाइम्स यहाँ पे इनके कुछ होंगे एडिटर वगैरह जो भी है, लेकिन ये ध्यान रखना फिल्म्स के लिए, बाल गंगाधर तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन चिरोल ऑफ द टाइम्स, इनको 18 महीने के लिए इम्प्रिजन कर दी गई थी, क्योंकि इनके न्यूज़पेपर में केसरी में इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि गवर्नमेंट जो है वो सही से स्टेप नहीं ले रही है। और मुझे याद नहीं आ रहा इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 19 पता नहीं कौन सा 19-0 मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा एक्ट था वो जिसमें न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने की बात थी, और वो एक्ट जब आया तभी केसरी में ऐसी चीज़ें बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, तो गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया 18 महीनों के लिए। कानून ये सही नहीं था, इसने जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी उनके राइट्स को एस्टेब्लिश नहीं किया, केयर नहीं की इसने, इसने केवल और केवल सरकार को पावर दी, तब से जो है ये चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा कि महामारी जब इतिहास में आप देखोगे तो इसके चलते लोगों में काफ़ी गुस्सा भी आया था, एक बार तो जो प्लेग कमिश्नर थे पूना के उनको भी असाइनेशन कर दिया गया, मार दिया गया, बालकृष्ण हरी चापेकर, दामोदर हरी चापेकर दोनों भाई थे, दोनों ने गुस्से में आके मार दिया कि भाई तुम इन महामारी को कंट्रोल कैसे कर रहे हो, और दोनों पे इल्ज़ाम लगाया गया कि प्राइवेट स्पेसेस को इन्वेड कर रहे हैं, घुस रहे हैं प्राइवेट स्पेसेस पे, हाउस होल्ड्स में घुस रहे हैं, क्योंकि क्या होता है महामारी में क्वारंटाइन नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार गलत कर रही है तो क्वारंटाइन इन्होंने तोड़ दिया, तब से जो है इन पे जो है इल्ज़ाम तब जो है इनको सज़ा मिली थी इसी बात पे। आज हमारी दुनिया अलग थलग है, और जब ये असाइनेशन हुआ था तब काफ़ी वोलेंस फैली थी। खैर, ये गवर्नमेंट ने आज जो अटेंशन दे रही है गवर्नमेंट लेबर की तरफ, माइग्रेंट लेबर की तरफ, लॉकडाउन इसने किया, पब्लिक स्पेसेस इसने रोकी, ट्रांसपोर्ट इसने रोका, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं वो अब अलग थलग हो गए। ये ट्रेजेडी थी, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स उनकी फैमिलीज सिटी से बाहर निकल के गाँव की तरफ बढ़ने लगे, लोगों के जो झुंड थे, जो एक्सोडस था, जो भीड़ थी, वो निकल के स्टेट बॉर्डर्स की तरफ गई, बड़े भारी बजा जो भोज था, बंडल्स थे, वो लेके जा रहे थे, बेबीज़ बच्चे उनकी बाहों में आर्म में थे, बिना खाना बिना पैसा वो पूरी जो इंसानियत की जो एक कह सकते हैं विश्वास है उन्होंने उनको हिला थिला के रख दिया। वर्कर्स के साथ देखो मैं एक बात कहता हूँ, चाहे दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है, वर्कर्स पे। अगर इस तरीके से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो ये क्या दिखाता है, क्लास बायस ऑफ रेगुलेशन, कि रेगुलेशन जो है वो क्लास के साथ, क्लास मतलब लोअर क्लास, मजदूर, मिडिल क्लास, अपर क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, के तहत डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो लॉकडाउन को लोग जो ये तोड़ रहे हैं उनकी मजबूरी समझनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में हालांकि कुछ मेजर्स अपनाए, लेकिन जो हो गया पहले रोकना चाहिए था, अब तक तो वायरस फैल गया होगा। फिर केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई और कही कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं ये जो है हमारे ऑर्डर के बिना, हमारी परमिशन के बिना नहीं फैले, कि सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया नहीं, गलत न्यूज़ तो शेयर होगी, ज़रूर होगी, लेकिन आप ऐसे रोक नहीं सकते कि हमारी इज्जत के बिना कोई भी डाटा जो है सरकार क्या कर रही है, कैसे रोक रही है, ये शेयर नहीं हो, ये बात सही नहीं है। कोर्ट ने कहा ये हो सकता है कि पत्रकार जो है सरकार के द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करें, जो बुलेटिन्स आते हैं डेली न्यूज़ जो आती है वो देखें, फेक न्यूज़ ना फैलाएं, और लेकिन ऐसा नहीं हो कि पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही बंद कर दें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसका जवाब ऐसे दे रही है कि ये फेक न्यूज़ ही आई थी जिसकी वजह से मजदूर बाहर निकल के जा रहे थे, मजदूरों को लगा कि अब लॉकडाउन हो जाएगा, बसें आ गई, बसें जो है तैयार हो गई, तो ऐसे वजह से जो है फेक न्यूज़ की वजह से मजदूर निकल के जा रहे थे। तो फेक न्यूज़ को टैकल करना चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन को रोकने से क्या होगा, यहाँ पे ये कोर्ट ने इस चीज़ पे फोकस दिया। हमको ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पेंडेमिक्स को मैनेज करने के नाम पे कई बार ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ कर देती,
और हमने देखा कि किस तरीके से कुछ वर्कर्स पे केमिकल सॉल्यूशंस भी डाले गए, केमिकल छिड़के गए ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए, वायरस हट जाए, लेकिन पता चला केमिकल सॉल्यूशन वो सही नहीं है। पूरे देश को जब यहाँ पे लॉकडाउन किया गया बिना ये जाने कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके से मूव करेगी, इससे केवल ब्रूटलिटी निकल के आई है। कई बार देखा जा रहा है कि पुलिस जो है वो लाठियाँ बरसा रही हैं कुछ इंडिविजुअल्स पे, हालांकि कुछ इंडिविजुअल्स भी जो है पुलिस को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वॉयलेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ हो चाहे वो लोगों के खिलाफ। एक और जो इन अनईज का कारण है वो है डिक्टेटरशिप। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टर्की, इजराइल, रशिया, यहाँ पे कुछ ही देशों के एग्ज़ाम्पल है जो देखे गए हैं, जिन्होंने ऐसे समय में जब लोगों के राइट्स यहाँ पे देने चाहिए, आज मज़दूरों के राइट्स हमको देने चाहिए, मज़दूर जो हैं खाना पीना मिलना चाहिए इनको, ऐसे समय में कुछ देश की जो लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर हासिल करने में लगे हुए हैं। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, देखा गया कि खुद को अब उन्होंने इमेंस पावर दे दी है। अब वो कानून पास नहीं करेंगे, डिक्री पे काम चलाएंगे, उनके जो बस उन्होंने एक ऑर्डर साइन कर दिया वही कानून हो जाएगा, पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसराइल ने भी अपने जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे भी कई इल्ज़ाम लग रहे करप्शन वगैरह के, तो उन्होंने जो वहाँ का पार्लियामेंट्रेस सेनेट, उनको जो है क्नेसेट नाम है ध्यान रखना, उन्होंने जो है इसको बंद कर दिया, रोक दिया, और खुद के जो ट्रायल था उसको भी यहाँ पे रोक दिया। तो कई तरह से यहाँ पे देखी जा रही है पावर, इनको रोकना चाहिए, इस तरीके से जो है पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पेंडेमिक मैनेज करने के नाम पे, कई जगह देखा जा रहा है। कंक्लूजन के लिए आर्टिकल अच्छा है, इसलिए पढ़िए। स्टेट्स इतिहास से बने हुए होते हैं, कई तरह की लेयर्स इनमें होती हैं जो समय दर समय चेंज होती रहती है। स्टेट का नेचर हिस्टोरिकली स्पेसिफिक होता है कि इतिहास में ये क्या रहा है, लेकिन आज के जो मॉडर्न स्टेट्स हैं इनका एक ही डिटर्मिनेशन है, एक ही इच्छा है, एक ही जो लीडर्स की यहाँ पे जो सबसे ज़रूरत रहती है कि यह कंट्रोल किया जाए लोगों को। एपेडमिक्स एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ऐसे लीडर्स को जो कि सारी पावर अपने हाथों में लेना चाहते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रशिया हो। वो मीडिया को रोकना चाहते हैं, वो जुडिशरी को रोकना चाहते हैं, वो सिविल सोसाइटी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को अगर रोक दें तो सोसाइटी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा लीडर्स के पास आ जाएगी। क्या ये जो डिसीजन है कि हम कोरोना वायरस को रोकने के नाम पे ये सब हमको करना पड़ेगा, क्या ये सब वाजिब है? क्या ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन, डेमोक्रेसी का वॉयलेशन इस तरह से एक्सेप्टेबल है पेंडेमिक मैनेज करने के नाम पर? ह्यूमन राइट्स कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी जो है सरकारों को सलाह दी है कि मेजर्स जो आप अडॉप्ट कर रहे हो ये लोगों की जिंदगियों को बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं करें, वायरस ही काफ़ी है, आप क्यों और बुरा करने की कोशिश कर रहे हो? जो जितने भी देश हैं जो कि पावर हासिल करने में लग रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मोस्ट वल्नरेबल और नेग्लेक्टेड जो पीपल हमारी सोसाइटी में, उनको मेडिकली और इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने एक एडवाइस दी, सेज एडवाइस, समझदारी भरी एडवाइस दी कि डेमोक्रेसी डज नॉट परमिट ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब आप कोई चीज़ खा रहे हो, जैसे आप मान लो गर्म खा रहे हो तो ठंडा नहीं खा सकते, कहते हैं ना अपन, ट्रेड ऑफ मतलब आप अगर नौकरी कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर सकते, हाँ एक्सेप्शन होते हैं, आप अगर काम में बिजी हो तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ट्रेड ऑफ मतलब कोई चीज़ कर रहे हो कोई चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। आप अगर सिविल सर्वेंट हो, IAS हो, तो आपको फैमिली में वक्त कम ही बिताना पड़ेगा, देश के लिए काम करना ही पड़ेगा। पढ़ रहे हो तो भी आपको जो है बाहर कम ही जाना पड़ेगा। आप अगर TV वगैरह देख रहे हो तो पढ़ाई आपको कम नहीं होएगी। ट्रेड ऑफ मतलब कोई चीज़ पा रहे हैं तो कोई चीज़ खो रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का ट्रेड ऑफ, डेमोक्रेसी में ट्रेड ऑफ नहीं होता। मतलब मैं मजदूरों का एग्जांपल देता हूँ, जो अमीर लोग थे वो घरों में आ गए, लॉकडाउन हो गया, मेडिकल सप्लाई आ रही थी, मास्क ले लिए उन्होंने, खाना पीने का सामान है, इनको बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया। क्योंकि अगर पहले सब कुछ बता देती सरकार कि भाई लॉकडाउन होएगा, मजदूर निकल निकल के चले जाएं या मजदूर पहले ही रहें, तो लोग नहीं संभलते, लोगों को लगता कि अभी तो वार्निंग है, तो जो अमीर गरीब हर क्लास के लोग बाहर निकलते और सबको वायरस हो जाता। तो कुछ लोगों को बचाने, बहुत सारे लोगों को बचाने के चक्कर में कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ। अब इसमें मैं सरकार की गलती नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ
कि ये सब प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए कि आप देश में, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कानून जो सबका बुरा कर रहा है वो कानून नहीं आना चाहिए डेमोक्रेसी में, ऐसा कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहिए। एक कानून जो किसी का बुरा कर रहा है लेकिन किसी का भला कर रहा है वो भी नहीं आना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है सबका भला हो। अगर जो कानून थोड़ा सा भी बुरा कर रहा हो ना, कोई भी ऑर्डर कोई भी एक्शन, तो वो आना ही नहीं चाहिए। तो डेमोक्रेसी में ट्रेड ऑफ नहीं होना चाहिए। पावर जितनी है उस हिसाब से आपको काम करके लोगों को इस पेंडेमिक से बचाना चाहिए। और वही चैलेंज है भाई, अगर आप सारी पावर ले लोगे तो आपका डेमोक्रेटिक लीडर होने का मतलब क्या हुआ? मैं टर्की के जो यहाँ पे लीडर से उनको कहना चाहता हूँ कि अगर सारी पावर्स लेके तो कोई भी आम आदमी राज कर सकता है। भाई आप लीडर हैं, आपके दिमाग आपकी कैपेबिलिटी का कैसे लोग भरोसा करें अगर आप इतनी जो पावर अवेलेबल है उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते? तो ये चैलेंज है। और किसी भी लीडर का चैलेंज, किसी भी लीडर की कैपेबिलिटी उसके चैलेंज में ही दिखाई देती है। चैलेंज नहीं हो तो लीडर की कैपेबिलिटी नहीं आती। कैशलेस इंडियंस द न्यू नॉर्मल एंड सर्वाइवल, अगला आर्टिकल हमारा रिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है। रिमोनेटाइजेशन मतलब पैसा देना, डिमोनेटाइजेशन मतलब पैसा ले लेना। हुआ तो डिमोनेटाइजेशन, रिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा भैया? डाटा है, 21 दिन के नेशनल लॉकडाउन में जो हमारी निचली जो 47% जो पॉपुलेशन है, 47% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, कैश इनके पास ख़त्म हो जाएगा। हर दिन ये $3.2 कमाते हैं वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, खर्च करते हैं, लेकिन अब इनके पास नहीं बचेंगे। 47% के पास ख़त्म हो जाएगा। और जो अगले जो 47% से 87% तक के लोग हैं इनके पास आधा ही रह जाएगा, और बाकी जो लोग हैं वो तो अमीर है ही। तो 50 करोड़ जो लोग हैं करीब करीब 15 अप्रैल तक उनके पास कैश ख़त्म हो जाएगा, और जो अगले जो 50 करोड़ है उनके पास आधा कैश रह जाएगा। और ये जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा डाटा यहाँ पे निकाला है, तो पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक जो चीज़ आपके लिए बतानी ज़रूरी है, गिनी कोफिशियंट। गिनी कोफिशियंट न्यूज़ में और इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। GS Paper 3 UPSC ये इनइक्वालिटी को नापता है। अगर आपका स्कोर 0 आता है तो मतलब सब बराबर है, 1 आता है तो मतलब सब बराबर नहीं है, परफेक्ट इनइक्वालिटी है। इसके बीच में स्कोर लाई करता है, जैसे इंडिया का स्कोर 0.7 है, तो 0.71 मतलब इनइक्वालिटी की तरफ, इनइक्वालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हमारा 0.2 0.3 होता तो इसका मतलब इतनी तो इनइक्वालिटी नहीं है, और 0 होता तो मतलब इनइक्वालिटी है ही नहीं, बराबर है सब। तो 0.7 जो हमारा स्कोर है इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं है लेकिन इनइक्वालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये याद रखना कि 0 मतलब इक्वालिटी, 0 मतलब सब बराबर, 1 मतलब कि किसी एक के पास जो है काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो स्कोर है देखा गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इनइक्वालिटी है। जो 10% हमारे जिले हैं देश में उनके पास करेंसी की मैं बात करूँ तो 764 गुना ज़्यादा करेंसी हमारे देश के जो टॉप 10% डिस्ट्रिक्ट है उनके पास है, और जो बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट परसेंट है उसके 764 गुना ज़्यादा है। ये टायर 1 टायर 2 सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, और जो कैश नहीं है जिनके पास वो ट्राइबल सिटीज़ हैं। तो देखा जा रहा है इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है। अब इसका सोल्यूशन, क्योंकि कैश खत्म हो जाएगा, कैश खत्म हो जाएंगे सरकार फूड सप्लाई यहाँ पे बांट नहीं पा रही, सरकार के पास फूड स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन वही बात है भूखे पहले भी मरते थे और आज भी इस वजह से मर रहे हैं लोग, क्योंकि सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो चुकी है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक को ख़त्म होने के बाद लॉजिस्टिक्स में ध्यान देना पड़ेगा, आने वाले टाइम पर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। अभी क्या कर सकते हैं, पेंडिंग में भी अभी चल रहा है, तो पेंडेमिक को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं रिमोनेटाइजेशन कर सकती है। और रिमोनेटाइजेशन के लिए राइटर कह रहे हैं कि 2,00,000 करोड़ का कैश ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं। कल ही कल परसों अभिजीत बैनर्जी जो हमारे नोबेल ल्यूरेट इकोनॉमिक्स में, उन्होंने कहा कि महंगाई है नहीं तो पैसा यहाँ पे प्रिंट करो। पैसा प्रिंट करने से सरकार डरती क्यों है? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे की सप्लाई बढ़ गई तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया। तो लेकिन लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं है तो मनी प्रिंट करना गलत बात नहीं है, और मनी प्रिंट भी नहीं कर सकते तो कहीं कहीं से पैसा जो है लाके 2,50,000 करोड़ सरकार को कैश के रूप में लोगों को देना चाहिए। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना एक अलग चीज़ है, कर भी सकते हैं, लेकिन हर किसी के खाते नहीं होते। जैसे जनधन जो अकाउंट है उसमें सरकार ने जो वुमेन अकाउंट है, महिलाओं के अकाउंट है, उनमें ₹500 देने का फैसला किया, तो सारे लोगों को मिला नहीं, जनधन वालों को मिला, उनमें भी वुमेन अकाउंट वालों को। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 77% जो हमारे लोग हैं वो कमाते हैं खर्च कर देते हैं, सेविंग नहीं होती। तो इसलिए 2,50,000 करोड़ लोगों को यहाँ पे, 2,50,000 करोड़ तो कैश की बात है यहाँ पे, मतलब अलग से जो फूड का पैकेज है वो अलग है, इंश्योरेंस अलग है, हॉस्पिटल वाला अलग है, 2,50,000 करोड़ का कैश ट्रांसफ़र।
अभी आप बोलोगे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ का किया, लेकिन इसमें सब कुछ है, गैस सिलेंडर और सारी स्कीम्स मनरेगा को मिला मिलू के, कैश ट्रांसफ़र नहीं है। अब जैसे मनरेगा में अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपये बढ़े हैं पैसे में, वेजेस में, और जनधन अकाउंट में 1500 रुपये जा रहे हैं हर महीने, 500 रुपये जा रहे हैं, 3 महीने के 1500 रुपये हो गए। तो अब देखो 1500 रुपये 3 महीने कितना ज़्यादा जो है लोगों को भला कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कैश के रूप में 2.5 लाख करोड़ रुपये हमको देने ही पड़ेंगे। वायर रिमोनेटाइजेशन, रिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों है? इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूसेस मोर इनइक्वालिटी, कोट याद रख लो, याद रख लो, काम आएगा जब भी इनइक्वालिटी, पुअर्टी या हेल्थ का या फिर जो है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए, मनी का क्वेश्चन आए, तो इनइक्वालिटी वाला कोट आप डाल सकते हो, इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूसेस मोर इनइक्वालिटी। जो हमारे मेजोरिटी ऑफ जो इंडियंस हैं उनके पास बहुत पैसा है, हमारे जो देश के 1% जो लोग हैं ना उनके पास पूरी देश का 60% पैसा है। कैश रिजर्व खत्म हो जाएगा तो इनकम ट्रैप में यहाँ पे फंस जाएंगे, रियल वेज चली जाएगी। रियल वेज मतलब, रियल वेज मतलब क्या होती है? देखो अगर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो यहाँ पे लोगों की वेज भी बढ़ती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है कि दुकान वालों के सामान बिकते हैं, दुकान वाले अपने मजदूरों को पैसा ज़्यादा देते हैं, लेकिन मजदूरों को भी तो वही चीज़ महंगे में मिलेगी बाज़ार में। तो रियल वेज मतलब जो इन्फ्लेशन हटा के जो वेज है, नॉमिनल वेज मतलब इन्फ्लेशन जोड़ के जो वेज है, तो रियल वेज काफ़ी कम हो जाती है महंगाई जब बढ़ती है। और ऐसे समय में जब कैश रिजर्व खत्म हो रहे हैं, महंगाई अगर बढ़ती भी है तो यहाँ पर रियल वेज खत्म हो जाएगी और वेजेस चली जाएगी, और आने वाले टाइम पर जो कंडीशन है वेज काम करने की वो भी ख़राब होती जाएगी, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनके कस्टमर्स उनको नहीं मिलेंगे आने वाले टाइम पर, कंजप्शन कम रहेगा तो अपने मजदूरों को पैसा भी कहाँ से देंगे। इसलिए 2.5 लाख करोड़ रुपये सरकार जरूरी है कि यहाँ पे लोगों की पॉकेट्स में जाके दे, जरूरी है, ताकि, और इसमें डाटा बटा हुआ है कैसे कि जो पैसा जा रहा है वो केवल देश के 87% लोगों को दे, बाकी को जरूरत नहीं है इतनी। जैसे हमारे देश के जो निचले 50 करोड़ लोग हैं उनको 1.30 लाख करोड़ रुपए दो, और बाकी जो 50 करोड़ लोग हैं उनको 1.2 लाख करोड़ दो, ठीक है, कैश रिजर्व उनका ख़त्म ना हो, 87% तक पैसा रहे, ये सही समय है, सरकार रिमोटाइजेशन करे, ज़रूरत है, कैश अवेलेबल करवाए बैंक के थ्रू, एटीएम के थ्रू, ट्रेजरीज के थ्रू, एटीएम में दे दे, गवर्नमेंट पैसे बंटवा दे यहाँ पे जैसे सरकार, तो गवर्नमेंट को पर ढंग से, ऐसा नहीं है भीड़ इकट्ठी हो, जैसे देखा जा रहा है कई बार राशन की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, हालांकि देखा गया कि सर्किल बना बना के लोग डिस्टेंस रख रहे हैं, सरकार जो सर्किल बना रही है 1 मीटर की दूरी पे सर्किल, 1 मीटर की दूरी सर्किल, यहाँ पे आदमी कस्टमर खड़ा हो सकता है फिर दुकान वाले सामान ले सकता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कैशलेस पेमेंट की जो यहाँ पे जो अभी उम्मीद है उसको कम करनी चाहिए, डिजिटली इतना काम नहीं है अभी, इतनी ज़रूरत नहीं हो पाएगी, हर किसी के पास गूगल पे नहीं होता, हर किसी के पास फोनपे, हर किसी के पास पेटीएम नहीं होता, ये याद रखना चाहिए कि आज भी हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होते हैं, कैशलेस पेमेंट नहीं होते, और खास करके गरीब तो करते ही नहीं है। तो ये कोट याद रख लो, लिख सकते हो कि ऑफ मनी का मतलब लैक ऑफ फ्रीडम, पैसा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं उधार मांगना पड़ेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा, तो आज़ादी खत्म हो जाएगी, वो आपसे जाने क्या क्या करवाएगा, आपको जो है उसके डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, लेकिन आपके पास पैसा है तो फ्रीडम है, फ्रीडम है तो आपके पास इंटरफेरेंस किसी की नहीं होगी। तो मनी फ्रीडम देती है क्योंकि इंटरफेरेंस किसी की नहीं होती, ठीक है, तो जरूरी है गाइज, आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। डू नॉट हार्म, डू नॉट हार्म ही आर्टिकल है, बात यह कि हेल्थ केयर वर्कर्स पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, पहले तो ये हमला कम किया जाए लोगों को, अब हमला क्यों किया जा रहा है, कई जगह मैंने देखा कि हेल्थ केयर पर हमला इसलिए किया गया, फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि ये जो लोग हैं ये डॉक्टर्स के वेश में NRC करवाने आ रहे हैं। तो एक तो ये फेक न्यूज़ इतना बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश में सारी मुश्किलों की जड़ी है, कम्युनलिज्म की जड़, हेल्थ केयर वर्कर्स पर जो अटैक हो रहा है उसकी जड़, जो पॉलिटिक्स इतनी जो गंदी हो रही है उसकी जड़, फेक न्यूज़ को किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करना आसान नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैंने देखा अपने आसपास ही देखा, मैंने अनुभव भी किया कि जब सजा का प्रावधान तेज कड़ा हो जाता है तो लोग फेक न्यूज़ शेयर करने से डरते हैं, और जब न्यूज़ में आती है कि फेक न्यूज़ करने से इस आदमी को सज़ा मिली या इतना सज़ा अभी मिलती है तो लोग फेक न्यूज़ शेयर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ शेयर करने को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की जो सेफ्टी है वो भी खतरे में आ रही है। चलो ये तो एक तरीके से सिटीजन की तरफ से बात होगी, सरकार की तरफ से मैं बोलूँ तो सरकार इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, PPE न्यूज़ में है, सारे देशों में कमी हो रही है, भारत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि PPE जो है, टेस्ट किट्स और PPE जो किट्स हैं वो जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा रहे। एक जो यहाँ पे बायो एथिक्स जो मेडिसिन की फील्ड में जो एक कोर्ट है, जो एथिक्स की बात, नियम कानून कायदे जो होते हैं उनमें कोर्ट है कि प्रीमियम नॉन नोसेरे, मतलब फर्स्ट डू नॉट हार्म, कि डू हार्म मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ। यहाँ पे सबको ध्यानना पड़ेगा कि आशा जो वर्कर्स हैं, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जो वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इन पे हमला ना हो, और इनको भी प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। सरकार जो है कम्युनल टेंशन को कम करें, आपस में हम लड़े नहीं, जो चीज़ करनी है वही करें, ठीक है। सरकार पे पूरी जिम्मेदारी है और लोगों पे भी है उतनी ही जिम्मेदारी, कि लोग आपस में भेदभाव ना करें।
फार्मर्स एट देयर विंड्स एंड, ये बात वही हो रही है कि किसानों को जो है अपनी उन पे छोड़ दिया गया है कि देखो वर्ल्ड के पास पूरी तरीके से खाना है, वर्ल्ड के पास इतना खाना है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, लेकिन ये खाना जो है वो कई देशों में सीमित है। जैसे भारत के पास अगर आप देखो, मैं आपको डाटा बता देता हूँ एक बार, जैसे 50% जो वीट के जो स्टॉक है वो चाइना के पास है, राइस के जो स्टॉक है दुनिया भर में 20% भारत के पास है। कजाकिस्तान ने वीट का एक्सपोर्ट जो करता है वो बैन कर दिया, रशिया ने वीट का जो एक्सपोर्टर है वो बैन कर दिया, वियतनाम जो राइस का एक्सपोर्टर है उसने अपने एक्सपोर्ट रोक दिए। तो इस तरीके से कंट्रीज़ के पास इतना फूड है कि पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है एक एक कंट्री के पास। जैसे चाइना के पास 54% जो वीट है वो आराम से बांटा जा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट जब रोक देते हो तो यहाँ पर सप्लाई चेन रुक जाती है और इतना खाना होने के बावजूद भी लोग भूखे जाते हैं। तो आज ये जरूरत है कि देश आपस में आए, भारत के पास भी स्टॉक है, भारत ने भी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। ट्रंप ने अभी दवाई मांगी, एक जो ड्रग है वो मांगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी जो हाइड्रोक्सक्लोराइन जो आपका एंटी मलेरियल जो ड्रग है, भारत ने मना कर दिया। तो इस तरीके से देश आपस में आए, कोशिश ये करें कि जिसको ज़रूरत है उसको दे, आपस में जो है यहाँ पे फूड स्टॉक्स का रोकथाम ना करें, फूड सिक्योरिटी का एडवर्स इफेक्ट इस वायरस का होगा। प्रिपेयर फॉर सार्क 2.0। देखो सार्क 2.0 की मैं बात करूँ तो इसको समझने से पहले चीज़ समझ लो। अब मैं आपको कुछ आर्टिकल्स की लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए जाना जरूरी नहीं होती है, किसी में डाटा बहुत ज़्यादा आता है, डाटा आपके लिए जरूरी नहीं है, आपकी समझ बढ़े, आपको पता चले कि किस तरीके से मेंस में आंसर लिखे जाते हैं, पॉइंट्स आपको मिलते रहे। सार्स कोविड 19 की मैं बात करूँ तो जितने भी केसेज हैं ना पूरी दुनिया में, सार्क जो कंट्रीज़ हैं वो केवल उनमें 3.64% ऑफ केसेज हैं, 12 लाख के करीब केसेस हैं, सार कंट्रीज सारी मिला के 8,000 के करीब केसेस हैं, भारत में 4,500 के करीब केस हो गए, 4,500। तो अब आप कह सकते हो कि लिमिटेड टेस्टिंग है या फिर वायरस अजीब तरीके से पेक्युलरिटी मतलब अजीब तरीके से काम करता है, लोग हो सकते हैं इम्यून हो सकता है साउथ एशिया की क्लाइमेट ऐसी हो सकता है गवर्नमेंट ने कड़े मेजर लिए बजाय कि यूएस जैसी कंट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी कम मेजर ले रही है, मजाक उड़ाया पहले इन्होंने वायरस का, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हो सकता है किस्मत भी अच्छी हो। तो सार्क जो कंट्रीज़ हैं उनके पास कम वायरस देखने को मिल रहे हैं, हालांकि सार्क की यहाँ पे सार्क 2.0 की बात हो रही है, मतलब सार्क किस तरीके से आपको खुद को रिवाइव कर सकता। आपको पता है सार्क पाकिस्तान और भारत की वजह से जो टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा ले आता था और भारत तो इसको अपोज करेगा ही, भारत चुप क्यों बैठेगा। तो अभी भी जब मीटिंग हुई कोविड 19 पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो सब देशों के प्रधानमंत्री मौजूद थे, हेल्थ जो टॉप लेवल के जो अधिकारी थे, लेकिन पाकिस्तान के ने अपने उस हिसाब से अधिकारी नहीं भेजे जिस हिसाब से और कंट्रीज़ ने लेवल के भेजे थे। पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से अपोज करता आ रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान को छोड़ के बिमस्टेक पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन सार्क को अकेला नहीं छोड़ सकते, सार्क में भी पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान अगर अंगुली करेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सार्क जैसी एक अच्छे ग्रुप को हम छोड़ दें, तो सार्क को हम आगे लेके जा सकते हैं और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इनिशियली कोविड फंड हमने बनाया, 18 मिलियन का सबने कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें 10 मिलियन भारत का है। कोई भी कंट्री रिक्वेस्ट पे फंड ले सकता है, इक्विपमेंट वगैरह ले सकता है, जरूरत पड़ी तो जो इसेंशियल सप्लाईज है फूड मेडिकल सप्लाईज ले सकता है। भारत ने जो डिप्लोमेसी दिखाई वो बहुत अच्छी थी। अब इस एक अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है, इसके बाद कोविड 19 खत्म हो जाए इसके बाद हम सार्क 2 को आगे लेके जा सकते हैं और आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। तो सार्क 2 जो है एक्टिव फेज में लौट आया है, ये कहना अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब प्री मैच्योर यानी अभी जो जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिर भी सार्क बिमस्टेक के बराबर आ सकता है। सार्क इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। साउथ एशिया जो दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, सबसे कम इंटीग्रेटेड रीजन है, उसको कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। पाकिस्तान कितने भी जो है बदनामी करता रहे, पाकिस्तान कितना भी जो है हथकंडे इस्तेमाल करता रहे, रोक लगाने की कोशिश करता रहे, भारत को अपने नेबर्स के साथ मिलकर यहाँ पे सार्क 2.0 की तैयारी करनी चाहिए, सार्क को रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाला आर्टिकल मैंने आपको समझा ही दिया, सार्क 2.0 हो ही गया। फूड सिस्टम की यहाँ पे वो भाई बात हो रही है कि किस तरीके से वेलफेयर ऑफ एनिमल्स लाइज विद द वेलफेयर ऑफ पीपल। वेट मीट जो मार्केट है चाइना में, जो मार्केट है ना वो मीट का, वापस चालू हो गया, वापस स्टार्ट हो गया, तो चाइना को अभी भी समक नहीं मिला, चाइना को अभी भी अपने मार्केट्स की पड़ी है। अगर आप अपने हेल्थी वर्ल्ड, अगर आप अपने फूड सिस्टम को स्ट्रक्चर करते हो, यानी कि आप अगर एनिमल्स के साथ नुकसान नहीं पहुंचाते, जो जंगली जानवर जो चाइनीज खा रहे हैं अगर उनको रोक दे, तो हम जो है कहीं ना कहीं ऐसे वायरसेस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन इस आर्टिकल में बताया जा रहा है
कि हमारे देश में जिस तरीके से मीट का व्यापार है वो अनरेगुलेटेड है, जानवरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, और ऐसे जानवर जिनमें वायरस है उनसे ह्यूमंस में भी वायरस पहुंच सकता है। तो लेकिन लोगों को मीट खाना है क्योंकि हर चीज़ जो है वो वेजिटेशन पे टिक नहीं सकती, तो यहाँ पे लोग फार्मर्स को भी नुकसान पड़ेगा अगर हम मीट का व्यापार रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको रोकना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक जो नया अल्टरनेटिव आइडिया यहाँ पे आया है लोगों के दिमाग में, जो कई देशों में चल भी रहा है, वो ये है कि प्लांट बेस्ड मीट। प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है, कल्टीवेटेड मीट क्या होता है, कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो मीट जैसा टेस्ट हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल और एंटीबायोटिक फ्री हो, जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुँचे और मीट से जो आपको नुकसान हो रहा है वो भी ना हो। मतलब आप एनिमल सेल से कुछ सैंपल ले सकते हो और कहीं ना कहीं आप उसको इनोवेशन करके प्लांट की मदद से आप मीट जैसा टेस्ट उसमें ला सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो कि वो जो खाना है वो प्लांट से बना हुआ होगा लेकिन टेस्ट मीट जैसा आएगा, तो इसमें जो फार्मर की इनकम है वो भी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन की समस्या भी दूर हो जाएगी, और जो फार्म एनिमल्स की जो फार्मिंग है, जो अत्याचार जो कर रहे हैं एनिमल्स पे, कई फैक्ट्रियों में देखा जा रहा है, कई डेयरी तो क्या बोलूँ, कई जगह देखा जाता है कि एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उनको जो है यहाँ पर सुरक्षा मिले और वो भी इनको भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो एनिमल्स को अगर यहाँ पर एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स के संपर्क में आ रहे हैं, वायरस फैल गया तो इंसानों में भी फैलेगा। तो हमको समझना चाहिए कि वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड है। एनिमल राइट्स के जो एडवोकेट्स हैं वो हमेशा से कहते हैं कि एनिमल का अगर वेलफेयर करोगे तो लोगों का वेलफेयर करोगे, और ये बात अब तक लोगों को समझ में आ गई होगी इस वायरस की वजह से, क्योंकि एक जो वायरस फैला वो पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर सकता है। वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, अब लॉकडाउन होने की वजह से पॉपुलेशन लेवल गिर रहा है, पॉल्यूशन लेवल गिर रहा है, एनिमल्स खुले में घूम रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि एनिमल्स का हमको वेलफेयर करना पड़ेगा, हमको ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि हम जो खाते हैं वो खाते रहें लेकिन कहीं ना कहीं एनिमल्स को नुकसान कम हो और हेल्थियर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़े, न्यूट्रिशनस फूड की तरफ हम बढ़े। ठीक है, बाकी जो प्लांट बेस्ड जो मीट है, कल्टीवेटेड जो मीट है, अगर इसके बारे में आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं टेलीग्राम के इसके बारे में डालूंगा अच्छी तरह रिसर्च करके। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।